हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखा होगा। बच्चों, आज हम आपसे इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 का काइंड्स ऑफ प्रोनाउन चैप्टर 13, चैप्टर 12 भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन था, उसी का ये सेकेंड पार्ट आप कह सकते हो, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। ये मेनली बेस्ड है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन पर ये वीडियो और ये चैप्टर, और इसके बाद कुछ एक्सरसाइज है जो प्रीवियस जितने भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन उनको रिवाइज कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। आइए सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़कर समझते हैं कि आखिर रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, किस तरह से वो इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, क्या रोल होता है उसका। सबसे पहले सेंटेंस है, आई नो दैट बॉय हु इज कमिंग। मैं उस लड़के को जानता हूं इज कमिंग, जो आ रहा है। बच्चों यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना वो हूं है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। ब्रिंग मी द लेटर, वो लेटर लेकर आइए जो पोस्टमैन ने लेफ्ट, यानी पोस्टमैन ने दिए या छोड़े। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन विच है। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, यह वह घर है जिसे जैक ने बनाया। यहां पर दैट है रिलेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों यहां पर हूं, विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका क्या काम है? यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दो काम कर रहा है। पहला, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा, ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करता है, एक तरह से कंजक्शन का काम करता है क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ता है, और क्योंकि ये किसी नाउन के लिए आता है तो ये प्रोनाउन का भी काम करता है। तो समझते हैं इस कैसे ये दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। देखिए पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें, आई नो दैट बॉय, मैं उस बॉय को जानता हूं, फिर मुझे बोलना चाहिए दैट बॉय इज कमिंग, वह लड़का आ रहा है। तो यहां पे दो अलग अलग सेंटेंस हो जाते हैं। आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, द बॉय इज कमिंग, लड़का आ रहा है। तो यहां पर हम बॉय की जगह पर हम हूं लगा के इन दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ देते हैं, तो वह बन जाता है आई नो दैट बॉय हु इज कमिंग, ठीक है ना। तो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो पहला सेंटेंस क्या था, आई नो दैट बॉय, दूसरा सेंटेंस क्या था, दैट बॉय इज कमिंग। और इन दोनों को जोड़कर दैट बॉय की जगह क्या लगा दिया, हूं लगा दिया, और दोनों सेंटेंस को एक बना दिया। तो सेंटेंस बन गया आई नो दैट बॉय हु इज कमिंग, मैं उस लड़के को जानता हूं जो आ रहा है। यहां हूं का मतलब कौन से नहीं है, यहां हूं का मतलब जो से है, जो आ रहा है। हु इज कमिंग, जो आ रहा है। तो जब हूं की मीनिंग जो से आती है ना बच्चों, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता। अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता तो यहां पर क्वेश्चन मार्क भी आपको लास्ट में दिखाई देता, जो कि आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है बच्चों। अब सेकंड सेंटेंस को इसी तरह समझो, ब्रिंग मी द लेटर्स, वो लेटर लेकर आइए। और दूसरा सेंटेंस हो सकता है, द पोस्टमैन लेफ्ट द लेटर्स, पोस्टमैन ने लेफ्ट लेटर दिए, यानी पोस्टमैन लेटर छोड़कर गया। तो यहां पर लेटर की जगह पे वर्ड आ गया विच, ठीक है। तो ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट, जो पोस्टमैन ने छोड़े। तो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन दो तरह का काम कर रहा है, एक तो किसी नाउन के लिए आ रहा है तो उसे हम इसलिए प्रोनाउन कहेंगे, साथ में ये दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाने का भी काम करता है बच्चों। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, दिस इज द हाउस, द जैक बिल्ट द हाउस, ऐसे दो अलग अलग सेंटेंस हो जाएंगे। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने दैट का इस्तेमाल किया। और एक बात बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया कि रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे हु विच और दैट है। यहां एक और बात आपको जो समझनी है वो ये कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है, जैसे यहां पर ये हूं जो है किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। विच सेकेंड सेंटेंस में किसके लिए आया है, लेटर्स के लिए आया है। और थर्ड सेंटेंस में दैट किसके लिए आया, हाउस के लिए आया है। तो ये जो बॉय है, ये लेटर्स है या हाउस है, इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है ना। एंटीसीडेंट यानी रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आया है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एंटीसीडेंट दिया होता है, कई बार एंटीसीडेंट नहीं भी दिया होता है, तो वो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने भी जाना कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और उसका एंटीसीडेंट क्या होता है। अब कहां पे नहीं होता एंटीसीडेंट वो भी समझ लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, आई डोंट नो व्हाट यू मीन, मैं नहीं जानता आपका जो भी मतलब है। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट है, बट इसका यहां पर एंटीसीडेंट नहीं है। व्हाट किसके लिए आया है वो सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पर यही आपको हम समझाना चाह रहे थे, द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना। इसका एंटीसीडेंट, व्हाट का एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड नहीं होता सेंटेंस में। और बाकी सभी सेंटेंस में जरा देखो,
आई नो दैट बॉय हु इज कमिंग, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु हो गया और इसका एंटीसीडेंट क्या है, बॉय, यानी बॉय के लिए आया है. ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच हो गया, ये किसके लिए आया, लेटर्स के लिए आया, तो लेटर क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया. दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, यहाँ दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया, हाउस के लिए आया है, तो हाउस इसका एंटीसीडेंट हो गया. बट जब रिलेटिव प्रोनाउन हमने अगले वाली स्लाइड में जो हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, तो इसका एंटीसीडेंट नहीं है यहाँ पर, तो रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का एंटीसीडेंट नहीं एक्सप्रेस होता सेंटेंस में बच्चों, ये आपको याद रखना है. आइए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन को हमें पिक करना है. द कैट किल द रैट दैट एट द कॉर्न, यानी रैट ने, कैट ने उस रैट को मार दिया जिसने कॉर्न खाया है, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट है और दैट किसके लिए आया है, रैट के लिए आया है, तो रैट इसका एंटीसीडेंट हो गया. आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूं जो आपका मतलब है, तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन वॉट है, पर आपको पहले ही बताया कि वॉट का एंटीसीडेंट सेंटेंस में एक्सप्रेस नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है. वेयर इज द बुक विच आई गेव यू, बुक कहां है जो मैंने आपको दी, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन विच है और इसका एंटीसीडेंट क्या है, बुक है बच्चों. गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, तो यहां पर हू रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, दोज के लिए आया है, तो दोज इसका एंटीसीडेंट हो गया. लिसन टू वॉट आई से, सुनिए जो मैं कहता हूं, तो यहां वॉट है रिलेटिव प्रोनाउन और इसका एंटीसीडेंट एक्सप्रेस सेंटेंस में नहीं होता, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं. आई हैव सीन द बर्ड विच यू डिस्क्राइब, मैं वह चिड़िया देख चुका हूं जो आप डिस्क्राइब करते हो. यहां पर विच है रिलेटिव प्रोनाउन और ये बर्ड्स के लिए आया है, बर्ड के लिए है. आई नो द मैन हु लिव्स हियर, मैं उस आदमी को जानता हूं जो यहां रहता है, तो जो यहां हूं रिलेटिव प्रोनाउन है और ये मैन के लिए आया है. हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, यह वह बुक है जो आपने मुझे दी, तो दैट यहां रिलेटिव प्रोनाउन है और ये बुक के लिए आया है. ही रिमेंबर्स वॉट ही रीड्स, वह याद रखता है जो वह पढ़ता है, तो यहां वॉट एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट एक्सप्रेस सेंटेंस में नहीं होता बच्चों. आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, मुझे वो पेन मिल गया है जो मैंने खोया था, तो यहां विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट पेन है. टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, यानी ले लीजिए जो आपको पसंद हो, तो यहां पर दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एंटीसीडेंट एनीथिंग के लिए आया है. गिव मी वॉट यू कैन, मुझे दीजिए जो आप दे सकते हैं, तो यहां वॉट रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट एक्सप्रेस नहीं होता है. आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी, मैं वो घड़ी खो चुका हूं जो आपने मुझे दी थी, तो दैट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये वॉच के लिए आया है. इट इज ऑनली डंकीज दैट ब्रे, सिर्फ डंकी है जो ब्रे करते हैं, तो दैट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है और डंकीज के लिए आया है. तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज में रिलेटिव प्रोनाउन को पिक किया बच्चों. अब हमें इस एक्सरसाइज में चार सेंटेंस बनाने हैं जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए. चलिए बनाते हैं सेंटेंस को. पहला सेंटेंस, आई नो द पर्सन हु फोंड हर, आई नो द पर्सन हूं फोंड हर, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने उसको फोन किया, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हूं हो गया बच्चों. सेकेंड सेंटेंस में, यू कैन टेल मी वॉट यू फील, तो यहां वॉट रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट सेंटेंस में एक्सप्रेस नहीं होता. ठीक है. थर्ड, दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग विच आई बॉट या विच आई हैव बॉट रिसेंटली, यह वह कुत्ता है जिसे मैंने अभी हाल फिलहाल में ही खरीदा है. हियर इज द बुक दैट यू वॉन्ट, यह वह पुस्तक है जिसे आप चाहते हैं, तो दैट हो गया, यहां विच हो गया. ठीक है. तो ये इस तरह चार सेंटेंस हो गए जिसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है. इस एक्सरसाइज में बच्चों हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को और रिलेटिव प्रोनाउन को अलग अलग पिक करना है. द डॉग विच आई रिसेंटली बॉट इज एन अल्सेशियन, अल्सेशन यानी जो डॉग हमने अभी हाल में ही खरीदा है वो अल्सेशन ब्रीड का है बच्चों. तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है विच, विच इज योर बुक, यहां पे विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. प्रश्न पूछेंगे आप, आपकी कौन सी पुस्तक है. व्हाट शैल वी डू टुडे, आज हम क्या करेंगे. व्हाट यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, वह उसे वह मिला जो वह ढूंढ रहा था. यहां व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है.
वॉट वॉज इन द डेस्क, वॉट यहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हॉल्ट हु गोज देयर, हु यहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। द आंसर विच यू गेव इज नॉट राइट, जो आंसर आपने दिया वो करेक्ट नहीं है, विच यहां रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द जगलर हुम वी सॉ यस्टरडे, वह यह वह मदारी है जिसे हमने कल देखा था, यहां हुम है रिलेटिव प्रोनाउन है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, हुम दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुम डिड यू सी देयर, आपने किसे वहां देखा, हुम यहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, हुम यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, वह आदमी जो ईमानदार होता है विश्वसनीय होता है। आइए बच्चों हम एक्सरसाइज 4 कर लेते हैं, इसमें हमें सभी सेंटेंस में सभी तरह के प्रोनाउन को पिक करना है और उनकी क्लास को बताना है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से, दैट इज द बॉय अबाउट हुम आई स्पोक, यह वह लड़का है जिसके बारे में मैंने बात की, जिसके बारे में बोला। यहाँ पे दैट बच्चों प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव और हुम जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, आई पर्सनल प्रोनाउन है। हुज पेन इज दिस विच ऑफ यू हैज लॉस्ट इट, यहाँ पे दिस यह पेन किसका है और विच ऑफ यू हैज लॉस्ट, आप में से यह पेन किसने खोया है। तो दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इट पर्सनल प्रोनाउन हो गया और यू भी पर्सनल प्रोनाउन है। आई डू नॉट थिंक ही अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मुझे नहीं लगता, मुझे मैं नहीं सोचता कि वह समझता है जो आपका मतलब है। तो यहां पर आई पर्सनल प्रोनाउन है और ही पर्सनल प्रोनाउन है, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है और यू पर्सनल प्रोनाउन है। हु इज द मैन टू हुम यू वर टॉकिंग एंड व्हाट डज ही वॉन्ट, हु यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हुम रिलेटिव प्रोनाउन है, यू पर्सनल प्रोनाउन है एंड व्हाट यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु इज द मैन, वह आदमी कौन है जिससे आप बात कर रहे थे और वह क्या चाहता है, तो यहां पर ही पर्सनल प्रोनाउन है। वी ऑल वॉन्ट वॉट वी हैव नॉट गॉट, हम लोग वही सब चाहते हैं जो हमारे पास है नहीं, तो ही यहाँ पे वी पर्सनल प्रोनाउन है और वॉट रिलेटिव प्रोनाउन है, वी पर्सनल प्रोनाउन है। बच्चों आई वॉन्ट देम दैट दे वुड ब्रिंग ट्रबल ऑन देमसेल्व्स, मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे अपने लिए परेशानियां खड़ी करेंगे, तो यहां पर्सनल प्रोनाउन है, देम पर्सनल प्रोनाउन है, दे पर्सनल प्रोनाउन है और देमसेल्व रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। टू हुम आर यू राइटिंग, यहां पर ये हुम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और यू पर्सनल प्रोनाउन है। व्हाट डू यू सपोज विल हैपन टू द पर्सन हु डिड दिस, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू सपोज आपको क्या लगता है उस व्यक्ति के साथ क्या होगा जिसने यह काम किया। तो यहां पे व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यू पर्सनल प्रोनाउन है और हु रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों, और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वन शुड ट्राई टू सी वन सेल्फ एज अदर सी, वन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अदर्स इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह से इस वीडियो में हमने प्रोनाउन का ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, हमने ये प्रोनाउन को 3 चैप्टर में कंप्लीट किया है बच्चों, चैप्टर 11 जो था इंट्रोडक्शन का था, चैप्टर 12 जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन था, चैप्टर 13 जो ये वाला है इसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन और सबके रिविजन एक्सरसाइज किए बच्चों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जहां पर हम लेकर आएंगे आपके लिए प्रीपोजिशंस।